मधुरिमा साधना सौम्या पंखुरी स्नेहा सृष्टि चिंटू आनंद किंग मोहित गणपति एन कुमार जी सेल्बी अर्नाव अर्नव वेरी गुड मॉर्निंग गाइस चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले देख लेते हैं थोड़ा सा मॉर्निंग को एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस आदर Continue to sleep and enjoy your dreams. Second, wake up and try to chase your dreams. Congratulations, guys, you have already wake up and now you are trying to chase your dreams. I would suggest to the people, those who are watching the TNA in the form of video, please try to wake up before 8 o'clock. Try to attend TNA live. You will be able to get some more time in your day. टू यूटिलाइज दियोर डे इन कंस्ट्रक्टिव वे कोशिश करें आठ बजे के पहले उठने की, की एक दो दिन ट्राई तो करें बोलेंगे सर पहले मम्मा पीछे पड़ती थी जल्दी उठ जाओ अब आप पीछे पढ़ रहे हो ट्राई करो अच्छा लगेगा ठीक सो डाउनलोड द ऑलिपोर्ड एप्लीकेशन सब्सक्राइब दूट्यूब चैनल इफ यूर वॉचिंग द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम माई पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन द टेग्राम ग्रुप कॉल्ड जीए जीनियस जीए जीनियस बाय आदित्य सर यू कैन सर्च इन द टेलीग्राम टू फाइंड

पेमेंट इज इनिशियड कैन नॉट बी स्टॉप दिस इज करेक्ट एक बार आपने पेमेंट स्टार्ट कर दिया इनिशियट कर दिया यू कॉन्ट स्टॉप इट बैक तो बहुत सोच समझ के पेमेंट करना होता है इमीडिएट है सेकेंड इमिडिएट पेमेंट सर्विस इज नॉट अवेलेबल ऑन संडे दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आई एम पी एस इज अ फैसिलिटी विच इज अवेलेबल बाई ट्वेंटी फोर सेवन बेसिस तो ये ट्वेंटी फोर सेवन बेसिस पर आपका आई एम पी एस अवेलेबल होता है सेकेंड था ट इज द लिमिट ऑफ यूपीआई यूपीआई का लिमिट क्या है मैंने सारी जगह पर सिंगल सिंगल जीरो कल इंक्रीज करवाए थे आप लोगों के आपको याद हो तो सो करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या बनता है सो योर लिमिट ऑफ ट्रांसफरिंग फंड इन यूपीआई इज टू लैख रुपी तो so, यूपीआई का पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है टू लैक है कुछ और लिमिट्स बता देता हूं लाइक यूजिंग यूपीआई ऑल दो फ्यू स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रिटर्न यूजिंग यूपीआई इन केस ऑफ आई पी ओ अगर यूपीआई का आई पी ओ केस में यूज होता है दैन द लिमिट इज हाउ मच फाइव लैख रुपी इसके बाद आपका आता है यूपीआई थ्री पे सो यूपीआई वन टू थ्री पे विच इज वर्किंग ऑन द साउंड वेव टेक्नोलॉजी फॉर दिस पर ट्रांजेक्शन लिमिट इज फाइव थाउजेंड रुपीज केस में पांच हजार रुपए का लिमिट है राइट right? इसके बाद आपके पास आता है यू पी आई लाइट फैसिलिटी सो यूपीआई लाइट फैसिलिटी के केस में यूपीआई लाइट फैसिलिटी के केस में योर लिमिट इज लिमिट इज टू हंड्रेड रुपी एंड वी कैन डू द वॉलेट रिचार्ज ऑफ टू थाउजेंड सो टू थाउजेंड वॉलेट रिचार्ज राइट ये सारे के सारे आपके पास लिमिट्स हो गए किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आई का लिमिट भी बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं है आई पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट इज फाइव लैक नाउ आई का लिमिट फाइव लैख है आर मिनिमम टू लैख रुपी का लिमिट है मिनिमम टू लैक लैख मैक्सिमम नो लिमिट नो मैक्सिमम लिमिट आप उसके बाद आपका एनई बचा है वो और देख लो एन एफ टी एनईफटी में आपके पास लिमिट कितना है तो नो मिनिमम लिमिट नो मिनिमम लिमिट नो मैक्सिमम लिमिट ठीक है एक लास्ट बच गया है वो लिख लो यू एस एस डी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका भी पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट आपका कितना है फाइव थाउजेंड एक लास्ट बच गया है आपका वो और लिख लो भीम भीम यूपीआई सो इन केस ऑफ भीम यूपीआई लिमिट इज हाउ मच वन लैख रुपी तो so भीम यूपीआई के, के केस में लिमिट कितना है आपका वन लैख ये हो गया सर आपके सारे पॉइंट ठीक कोई लिमिट नहीं बचा है सारे लिमिट द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर रिक्वेस्टिंग मनी इन यूपीआई मनी आई कैन रिसीव मनी हेल्प ऑफ यूपीआई दर इज एन ऑप्शन आई कैन आस्क फॉर मनी बट दैट टर्म इज नॉट कॉल्ड आस्क दॉल्ड पुल सो दे पुल ऑप्शन पोषण पुल ऑप्शन सो पुल का मीनिंग होता है टू रिसीव मनी एंड पुश मीन्स टू सेंड मनी तो यहां पर पुश और पुल का कॉन्सेप्ट यूज होता है अगर फंड ट्रांसफर करना है तो उसको बोलेंगे पुश एंड फंड रिसीव करना है सो दैट विल बी कॉल्ड पुल क्लियर है यहां तक चले। तो के सारे पॉइंट परफेक्ट चलिए आगे चले तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स देख लेते हैं हीरोज ऑफ टी एन ए दोंग द आंसर रेगुलरली सोनम सिंह जी आई एम पी एस रिमिटेड डिसाइडेड बाई रेस्पेक्टिव बैंक टू लैक पुल बहुत बढ़िया परफेक्ट थैंक यू सोनम फॉर आंसर संबित भाई बैंक आई एम पी सेम रिस्पेक्टिव बैंक मैंने चेक किए हुए हैं ठीक है सृष्टि ने सारे लिमिट्स भी यहां पर लिखे हुए थे सृष्टि स्नेहा दोनों ने लिखे थे सारे लिमिट्स लिखे थे यूपीआई वन टू थ्री पे यूपीआई लाइट पुल ऑप्शन परफेक्ट वेरी गुड गाइस अतुल यादव जी थैंक यू सर थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन इवन वी विल डू द हार्ड वर्क और गिविंग द कंटेंट ऑल्सो स्टूडेंट डोंट वॉन्ट टू अटेंड द एग्जामिनेशन तो आप अटेंड कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छी चीज है बढ़िया कंटिन्यू रखिएगा मधुरिमा जी स्मिता साई अंजलि श्याम प्रियंका परफेक्ट गाइस वेरी गुड नीलम जोशी जी तान्या विधि काजल मैम बसवराज अमन मंजिल कृष्णन गली एंड हितेंद्र परफेक्ट आंसर्स गाइस थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दीज क्विजेज नेमवर्क के लिए बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंगयर मैं कल इनकी मैं कल इसकी डिटेल भी बताऊंगा वॉट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बैंकिंग इंडस्ट्री नेक्स्ट है वॉट इज द मैक्म एज रिटायरमेंट फॉर

हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर ऑन द वॉल्यूम ऑफ यूपीआई बढ़िया डिफाइन कर दिया कि यूपीआई से रिलेटेड जो अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन आया एनपीसीआई का सो बेस्ड ऑन दैट वॉट विल बी द करेक्ट आंसर द टाइमलाइन ऑफ कंप्लाइंस फॉर एग्जिस्टिंग टीपीएपीज हु थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर to comply the volume cap point number 2 the guidelines said upi volume transaction should not exceed 50% of overall transaction in the upi during the preceding 3 months the limit to fund transfer in upi is 2 lakh rupee per day ha bhai kya answer banega aapka अच्छा दिसंबर ट्वेंटी फोर है ओके ओनली थ्री क्या बोल रहे हैं भाई थर्टी परसेंट है ठीक चलो आंसर पर आ जाते हैं पॉइंट नंबर थर्ड इज करेक्ट फर्स्ट इज रॉन्ग सेकेंड इज रॉन्ग फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है सर दिस डेट इज थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यह डेट क्या है आपका थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर सो टू ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया है टिल थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो दैट इज द न्यू डेडलाइन टू अचीव द टारगेट मीन्स योर ट्रांजेक्शन शुड बी इन साइड अ लिमिट वॉट इज दैट लिमिट ट लिमिट इज नॉट फिफ्टी परसेंट दैट लिमिट इज थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट से कम होना चाहिए ट्रांजेक्शन इन एप्लीकेशन का आई होप माई पॉइंट इज क्लियर राइट आगे आ जाए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर टू ईयर्स टिल थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर प्रीवियसली द डेडलाइन वॉज

टोटल हाउ मच मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड विद द फ्रॉम यूपीआई विद द सपोर्ट ऑफ फ्रॉम यूपीआई ऑन 7.3 बिलियन सेवन तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके पास हैं टोटल कितना फंड ट्रांसफर हुआ था नवंबर में तो करेक्ट आंसर है करोड़ so, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोन पे ज फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ मार्केट शेयर अभी इनको इसको कम करके थर्टी परसेंट के, के कहां लाना पड़ेगा नीचे लाना पड़ेगा सो देर्टी परसेंट आफ्टर थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ठीक है वही वही डिटेल्स हैं ऑलरेडी वी है विच कंपनी न्यू इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज रिसेंटली तो निफ्टी वर्ड अगर आप सुनते हैं ना तो निफ्टी फिफ्टी निफ्टी हाँ तो निफ्टी वर्ड अगर आपके पास आया सो so निफ्टी ऑलवेज रिलेटेड टू याद रखिएगा निफ्टी इज ऑलवेज रिलेटेड टू एन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है आपका निफ्टी और अगर आपके पास आता है सेंसेक्स वर्ड अगर आपके पास आता है सेंसेक्स वर्ड सो सेंसेक्स इज रिलेटेड टू बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है आपका सेंसेक्स निफ्टी रिलेटेड है NSE से यहां पर आपका आंसर क्या बन जाएगा एन एस सी इंडाइसिस रिसेंटली एस बाय एनएससी, इट इज ए रेटेड बॉन्ड इश्यूज बाय गवर्नमेंट एंटिटीज सो इट इज अ टाइप ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी मैंने कल भी बताया था ये, 1992 में एनएससी फॉर्म हुआ था गिरीश चंद्र चतुर्वेदी करेंट चेयरपर्सन मिस्टर आशीष कुमार चौहान इज द एमडीएनसीट नेक्स्ट है कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंट न्यूज ऑफ एम्प्लॉय स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखिएगा जरा क्या न्यूज है क्या क्या पॉइंट बोल रहे हैं न्यू डेली सेकंड पॉइंट मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भूपेंद्र यादव सर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल होगा इन न्यू डेली पॉइंट नंबर टू ई एस आई सी वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट याद रखिएगा ई एस आई सी जो डिपार्टमेंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है सो दैट इज दिस मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भूपेंद्र यादव सर हु इज द मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्ट्री थर्ड मुखमीत एस भाटिया सर गॉट गॉट रिटायर्ड रिटायर्ड ही नाउ डॉक्टर राजेंद्र कुमार डॉक्टर राजेंद्र कुमार इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ई एस आईसी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन दर नाइनटीन फिफ्टी टू तो आपके पास सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए वी हैव कवर्ड इन द सिंगल एम सीक्यू नेक्स्ट है has बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द ड्यूरेशन ऑफ थ्री ईयर्स तीन वर्षों के लिए किसको अपॉइंट किया गया है एन एस सी आई का हाल ही में डायरेक्टर जनरल तो करेक्ट आंसर चेयरपर्सन करेक्ट आंसर है राजीव लक्ष्मण सर सो राजीव लक्ष्मण सर Institute? He द प्रोफेसर एट चेन्नई on the टू of ऑन द He ऑफ द प्रोफेसर लीव द एजुकेशन सेक्टर or द एकेडमिक पार्ट

नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में किसने भाग लिया किसने हिस्सा लिया करेक्ट आंसर मिस्टर पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल हैज अटेंडेड दिस कॉन्क्लेव इन द फॉर्म ऑफ चीफ गेस्ट सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट विल बी सेलिब्रेटेड इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ए पी ए फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट फ्रॉम इंडिया इंडिया से मिलेट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में यह ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है ठीक है ट्वेंटी थ्री है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट नेक्स्ट है हैडक्वार्टर न्यू डेली न्यू डेली हेडक्वार्टर ई पीडीए सिक्सटी फिफ्थ फाउंडेशन डे ऑफ डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैजीन ऑब्जर्वड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट करेक्ट आंसर एन न्यू डेली फाइनेंस मिनिस्टर अलॉन्ग विन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर पंकज चौधरी इनॉगरेटेड टू डे लॉन्ग सिक्सटी फिफ्थ फाउंडेशन डे ऑफ डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन न्यू डेली हेडक्वार्टर न्यू डेली है डी आर आई का और नाइनटीन फिफ्टी सेवन में फॉर्म हुआ था डी आर आई इंटरनेशनल डे ऑफ बैग्स टे ऑन विच डेट सो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक आपका सेलिब्रेट होता है फोर्थ ऑफ दिसंबर को सो इन लंडन देयर वॉजर ऑन द सेम डे इन लंडन देर वॉज अ कॉन्क्लेव रिलेटेड टू द इंटरनेशनल वन इंडियन बैंक ऑनर्ड एज द बेस्ट बैंक फ्रॉम इंडिया सेक्टर बैंक वॉट इज द नेम ऑफ दैट बैंक उस बैंक का नाम बताइए जरा जिसको अवार्ड मिला है हाल ही में इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे सेबरेटेड ऑन

कल जितने भी वीडियो मैं कर रहा था वो देख जरूर रहे थे तो ही हैज़ कमेंटेड सर ये कोई रेलिवेंस ही नहीं है इंटरव्यू से ये क्वेश्चन तो इंटरव्यू में आता ही नहीं है सो इफ़ सौरभ सर इज़ वॉचिंग दिस सेशन ऑल्सो सर प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करिए बताइए हम लोगों को नादान बच्चों को आपके कि, कि किस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बैंकिंग इंटरव्यूज में और बैंक के इंटरव्यू में अगर बैंक के फंक्शन नहीं पूछे जाते कभी नहीं पूछे गए तो क्या कुछ नया पूछा जा रहा है बट प्लीज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग इंटरव्यू इन इंडिया ऑन अर्थ नॉट ऑन एनी अदर प्लेनेट तो हमारे यहाँ जो जो क्वेश्चन होते हैं वो यूजअली बैंक से ही रिलेटेड है वो यूजअली बैंक से ही रिलेटेड है है ना मतलब वो फंक्शंस ऑफ बैंक बैंकिंग के इंटरव्यू में तो पूछेगा मतलब जितना मेरा आइडिया जो पास्ट स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हैं दोज आर वर्किंग सो उनसे पूछा गया फंक्शंस ऑफ बैंक

इन सेम सीरीज़ विल बी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बैंक पर अगला ठीक हैदराबाद गेट्स इंडिया फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ए टी एम अब गोल्ड ए टी एम जो है देखिए न्यूज में रहेगा ये कुछ नया टाइप का कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू इज समथिंग वेयर नथिंग इज डिफाइंड प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पर एक सिलेबस है एंड यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग नथिंग लाइक दैट आस्क यू अबाउट महाभारत कुरुक्षेत्री थिंग अबाउट कुरुक्षेत्र अभी गोल्ड एटीएम न्यूज में आया पॉसिबिलिटी है यू मे गेट अ क्वेश्चन दट इज दिस गोल्ड एटीएम अगर आपने सुना है तो आप अवेयर हो आपके सराउंडिंग से और नॉट दैट इज वॉट एक्चुअली द द टू नो नो इफ यू डोंट आंसर हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट दे टू चेक तो इसी चीजों पर होता है सर ये हैदराबाद गेट्स इंडिया रियल टाइम गोल्ड एटीएम पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च हुआ है ऑल दो इट इज सेट दैट इट इज द फर्स्ट एटीएम इन द वर्ल्ड एज वेल इंडिया का भी नहीं वर्ल्ड का पहला एटीएम होगा गोल्ड एटीएम So, Gold Sikka is the name of company, Gold Sikka with the technology support of Hyderabad based startup Open Cube. So, Gold Sikka plus OpenCube technologies collaborated to launch the first gold ATM at Begum Pate described it as India's first gold ATM. दिस इज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ए टी एम इंडिया का पहला वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड ए टी एम है कार्ड स्वाइप करिए मेक पेमेंट एंड आफ्टर दैट यू कैन बाय द गोल्ड दिस टाइप ऑफ गोल्ड बिस्किट राइट फ्रॉम जीरो पॉइंट फाइव ग्राम टू हंड्रेड ग्राम तो जीरो पॉइंट फाइव ग्राम से हंड्रेड ग्राम तक का आपके पास ऑप्शन है दिस

सर प्लीज आई हैव सीन अ न्यूज दैट वी कैन बाय गोल्ड इन दुबई इज देयर एनी डिफरेंस हाँ देखो क्या होता है नहीं नितिन कोई दिक्कत नहीं है यहां पर एक वर्ड यूज हुआ अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम रियल टाइम अभी वहां पर एटीएम में क्या होता है यू कैन यू कैन विद द हेल्प ऑफ मशीन यू कैन मेक योर ऑर्डर देन यू हैव टू वेट फॉर योर ऑर्डर आफ्टर पेमेंट यू हैव टू वेट फॉर योर ऑर्डर मीनस ऑटोमेशन कर दिया उन्होंने विद हेल्प ऑफ मशीन यू कैन मेक योर ऑर्डर मेक पेमेंट, वेट फॉर योर ऑर्डर एंड सम टाइम, इट विल गोल्ड पर ऑप्शन वट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन गेट इट बट ये हो गया इसमें डिफरेंस ठीक है चलो मैं बेटा मैं एक वीडियो किया है बैं... आज दे दूंगा थोड़ा सा कल विंडो बन ही नहीं पा रहा था वो वीडियो देने का नाबार्ड के लिए एक वीडियो है वो आपको आज मिल जाएगा थोड़ा सा वेट कर डोंट वरी अबाउट जीए जी बी इजी इन योर एग्जामिनेशन कंपेयर टू अदर एग्जाम जीए विल इजी इन नाबार्ड नाबार्ड में जीए इजी आएगा तो बहुत ज्यादा परेशान मत हो इफ यू आर फॉलोइंग टीएनए फ्रॉम लास्ट थ्री फोर मंथ्स ट यी विल बी गुड इन नावार्ड एग्जाम तो आप कॉन्फिडेंट रहे बढ़िया जाएगा आपका ठीक है एग्रीकल्चर न्यूज साइड बट ऑल अदर न्यूज विल ऑल्सो कम इन द नावार्ड अपॉइंटमेंट्स भी पूछेंगे इकोनॉमी वाला न्यूज भी आएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है इकनॉमी अपॉइंटमेंट एमओ यूज बिजनेस न्यूज दे आर नॉट गोइंग टूट देखे एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स आर मोर इंपॉर्टेंट लाइक पीएम किसान स्कीम हो गया आपका और दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली पीएम किसान सम्मेलन वाज कंडक्टेड सो दैट कैन कम इन द बैंकिंग यू हैव टू डेटा लाइक पी एस एल आर आई डी एफ नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक के सी सी सो ये सारे आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो गए ठीक है चलिए पॉइंट पर वापस आ जाए डिजिटल पेमेंट वर्थ 38.32 लाख टू करोड़ कैरिड आउट इन बिटवीन जुलाई टू सितंबर का से रिपोर्ट इश्यूज बाय इंडिया मोर देन ये ट्रांजेक्शन हो गया आपका काउंट हो गया हाउ मेनी ट्रांजेक्शन वर्डन सो ट्वेंटी बिलियन ट्रांजेक्शन कैरिड अमाउंट अराउंड थर्टी एट पॉइंट थ्री टू लैख करोड़ बिटवीन जुलाई टू सेप्टेंबर ई ट्रांजेक्शन वाइएस्ट इन बोथ वॉल्यूम वैल्यू एंड वॉल्यूम तो पैसे की बात करें या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की यूपीआई का शेयर मैक्सिमम है इन ऑल द ट्रांजेक्शन इन डिजिटल ट्रांजेक्शन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल ट्रांजेक्शन इट मीन वी आर इंक्लूडिंग यूपीआई हियर हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूपीआई को इंक्लूड कर रहे हैं प्लस कार्ड पेमेंट्स हो गए आपके कार्ड पेमेंट्स हो गए इंटरनेट बैंकिंग हो गया तो ये सारे के सारे हमने यहां पर डिजिटल पेमेंट में डाल दिए भी आ जाएगा दैट विल बी कमिंग अंडर द कार्ड पेमेंट सो क्लॉक बिलियन ट्रांजेक्शन थर्टी टू पॉइंट फाइव लैख करोड़ देखो आउट ऑफ थर्टी एट लैख करोड़ थर्टी टू लैख करोड़ अमाउंट वॉज ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम यूपीआई मतलब आप देख रहे हो शेयर अप्रोक्सिमेटली एटी परसेंट का शेयर जो है वो यूपीआई पर ही है एवरेज टिकट साइज ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू द क्रेडिट कार्ड वॉज द हाइएस्ट दैट इज फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तो अगर एवरेज की बात करें तो पीपल डू मेक हायर ट्रांजेक्शन बिग ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड का बड़े ट्रांजेक्शन पर छोटे ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल वॉलेट से हो रहे हैं यूपीआई फोन पे गूगल पे इनसे छोटे ट्रांजेक्शन थ्री थ्री एटी टू तो ये ओवरऑल शेयर हो गया आगे आ जाओ अगला पॉइंट related to SEBI banking and financial news is continue SEBI reduced the time period for listing the debt securities issues on private placement basis पहले फटाफट से हाथ उठाकर बताना कितने लोगों को नहीं पता है what is private placement if you want me to explain then only I am going to explain currently otherwise I'll move in the news मतलब मैं news समझा दूँगा private placement explain करने की अगर ज़रूरत नहीं है तो सब सब आपके डिजिटल है दे आर द पार्ट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट है वो भी ठीक है पता है समझाया है एक्सप्लेन कर दूं, नहीं पता ठीक है ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा और परेशान नहीं होना टाइम लगता है बहुत से बच्चे ऐड होते हैं उनको भी समझना जरूरी है सो व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ये समझिएगा ल एनी ऑफ माई प्रोडक्ट आई हैव टू थ्री ऑप्शन मान लीजिए मेरे पास दो तीन मैं, मैं अपना एक कोर्स लेकर आया हूं मेरे पास तीन ऑप्शन को when in है इंडस्ट्री एंड आई वॉन्ट टू सेल माई कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इंडस्ट्री में नया आया मैं अपना कोर्स पहली बार सेल करना चाहता हूं सो दिस इज कॉल्ड आईपी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको बोला जाता है आईपी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई डोंट है स्टूडेंट

कैन हैव फ्यू ऑप्शन मैं कुछ ऑप्शन के साथ आ सकता हूं माई फर्स्ट कोर्स वॉज गुड इट वॉज एप्रिशिएटेड सेकेंड टाइम आई कैन कम अपॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन इट कैन बी रिजर्व फॉर माई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं अपने कोर्स को रिजर्व कर दू कि यह सिर्फ मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए है और अ पार्ट ऑफ माई कोर्स लाइक आउट ऑफ राइट इश्यू राइट इशू राइट इश्यू मीन रिजर्व फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रिजर्व फॉर द एग्स्टिंग स्टॉक होल्डर्स इट इज कॉल्ड राइट इश्यू थर्ड प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट क्या हुआ भाई मेरे किसी पुराने स्टूडेंट का कॉल आ गया सर योर इंटरव्यू वैच इज गोइंग लाइफ एंड इन द लिमिटेड सीट वन सीट यू हैव टू गिव टू माई यंगर ब्रदर एक सीट आपको मेरे यंगर ब्रदर के लिए रखनी ही रखनी पड़ेगी फ्रॉम नाव आई एम टेलिंग यू सो वट आई एम डूइन सीट आई हैव रिजर्व ऑलरेडी आउट ऑफ द मार्केट मैंने उसको प्राइवेटली सेल कर दिया मार्केट में इंस्टेड ऑफ कमिंग टू एक्चुअली इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मार्केट आउट ऑफ द मार्केट आई एम सेलिंग इट प्राइवेटली दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट सो इन द प्राइवेट प्लेसमेंट टू पार्टीज

कि इश्यूज uh, क्या होते हैं इज देर एनी लिमिट ऑन यूपीआई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट अनुराग अभी तक तो नहीं है बट आने वाले हैं दो दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या लिमिट्स हैं तो वो थर्टी परसेंट वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा बट फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर चलो न्यूज पर वापस न्यूज पर वापस से बी रिड्यूस द टाइम पीरियड ऑफ लिस्टिंग द डेट सिक्योरिटीज डेट सिक्योरिटीज का मीनिंग होता है टाइप ऑफ बॉन्ड डिवेंचर विच आर रिलेटेड टू द लोन प्रोडक्ट जो एक तरीके के लोन प्रोडक्ट है लिस्टिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू थ्री डेज टी प्लस थ्री डेज इंस्टेड टी प्लस 4 days was the previous time. Now it is T plus 3 days. Ki T plus 3 days may complete karo aapka private placement. Means you and your buyer, you guys are already agreed. No need to have a T plus 4 days time. That is listing day plus 4 days time. That is also working days. This is more. So in T plus 3 days, you have to complete your transaction. Paperwork, fund transaction, everything should be completed within T plus 3 days. तो सिंपल यहां पर न्यूज यह है कि जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता था प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोडक्ट सेल करने के लिए सेबी ने उसको क्या कर दिया है कम कर दिया है सेबी ने डिक्रीज कर दिया है। इसके बाद एक और पॉइंट है अक्टूबर 2022 सेबी आल्सो रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट तो प्राइवेट प्लेसमेंट में नॉन कन्वर्टेबल जो शेयर होते हैं उनका वैल्यू भी डिक्रीज किया था दट इज फ्रॉम टेन लैख टू वन लैख दैट यू कान सेल वन शेयर ऑफ मोर देन वन लैख तो एक यहां पर आपका जो स्टॉक था फेस वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड का प्राइस यहां पर इन्होंने बॉन्ड का जो प्राइस था उसको टेन लैख रुपर प्राइस से वन लेख रुपर बॉन्ड प्राइस कर दिया था इन द प्राइवेट प्लेसमेंट सो प्राइवेट प्लेसमेंट को अवॉइड कर रहा है और वांट टू डिक्रीज से ट्रांजेक्शन ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट सो ऑल द इन्वेस्टर्स कैन गेट अपॉर्चुनिटीज और ऑल द एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन एवरी प्रोडक्ट प्राइवेट प्लेसमेंट मीन कंपनी है टू हूम दे वॉन्ट टू सेल बट कांट गेट इन्वॉल्व इन द प्राइवेट प्लेसमेंट सो दीज आर टेकन बाय फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जून जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से ये रूल्स आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे आगे आ जाओ गुड न्यूज फॉर इंडिया बढ़िया अच्छा न्यूज है वर्ल्ड बैंक इंक्रीजेज द इंडिया जी डी

जी डी पी रेट ग्रो एट एट पॉइंट सेवन परसेंट इन दास्ट फाइनेंशियल ईयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर एट पॉइंट सेवन परसेंट था डेटा एंड दिस इयर अगेन द प्रोडक्शन इज सिक्स पॉइंट नाइन सेकेंड क्वार्टर इट ऑलरेडी ग्रो एट सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट तो सेकंड क्वार्टर का ग्रोथ रेट जो था वो आपका सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट था आरबी एक्सपेक्टेड इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट सेवन परसेंट इन द ईयर 2022-23 याद है ना 7.2 से डिक्रीज किया था आरबीआई ने भी डिक्रीज किया था 7.2 से डिक्रीज करके किया था बी द जीडीपी रेट ऑफ इंडिया फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फटाफट से जरा हेडक्वार्टर बताओ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का वेर इज द द्वार्टर सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आईसीआईसी लॉमबार्ड रिसेंटली पार्टनर्ड फॉर द बैंक एश्योरेंस सो बैंक स टर्म इज वन ऑफ द इजिएस्ट टर्म वी आर रीडिंग फ्रॉम लॉन्ग बैक वेन द बैंक इज सेलिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी विद द बैंकिंग प्लेटफॉर्म और बैंकिंग चैनल दैट इज कॉल्ड बैंक सो हियर इन दिस केस आईसीआईसीआई लॉमबार्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल ऑन द काउंटर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक दिस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इनका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है ए यू का जयपुर बहुत सिंपल सा न्यूज है बिल्कुल टाइम इसमें ज्यादा स्पेंड करने का जरूरत नहीं है सिंपल न्यूज क्या है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लोम्बार्ड कोल फॉर द बैंक बैंकेंस लोम्बार्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज विल बी अवेलेबल इन द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांचेस फॉर द सेल पर्पज तो इन ब्रांचेस से अब आप बाय कर पाएंगे ये है इसका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आ, मतलब कोलाबरेशन करने का रीजन एंड दे विल चार्ज कमीशन अगेंस्ट इट एयू विल चार्ज कमीशन अगेंस्ट इट ओवर द कंपनी आगे आ जाओ नेक्स्ट है गूगल लॉन्चेस एंटी मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन इंडिया विच वॉज इसका नाम याद रखना जिगशो का सो so, गूगल की सब्सिडरी है जिगशो इज लॉन्चिंग अ न्यू एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हैज रिपीटेडली इन्वोवड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू ब्लॉक

आयदर दे आर रनिंग ऑन यूट्यूब और दे आर ट्विटर अकाउंट और दे आर फेसबुक अकाउंट और इंस्टा अकाउंट एनी सच आर गेटिंग ब्लॉग्ड विद द टाइम सो अभी गूगल ने भी इस पर एक चीज लॉन्च किया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज ऑल्सो बैंक एश्योरेंस सो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है दैट इज अर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम बैंक एश्योरेंस इसलिए बोल सकते हो because that is available on the banking channel but bank assurance ka concept sna insurance companies collaborating with the bank to sell the policy that is what bank assurance coming back to the concept google initiative will be used pre-bunking videos pre-bunking videos means they will, they will check the content tags of the videos if the tags content thumbnail of the video is uh, irrelevant or इट इज शोइंग सम मिस इन्फॉर्मेशन देन प्री बंकिंग ऑफ वीडियो विल बी डिजाइन फॉर द काउंटर ऑफ फॉल फॉल्स क्लेम बिफोर दे बिकेम वाइड स्प्रेड उनके फैलने से पहले जो हो जाता है ना कि वीडियो आपका वायरल हो गया सो बिफोर बिकमिंग वायरल ऑन द प्लेटफॉर्म गूगल विल ब्लॉक दैट चैनल गूगल विल ब्लॉक दैट वीडियो ये करेगा पूरा काम कौन जिग्शा जिग्शा का काम होगा ये तो इसलिए नाम याद रखिएगा जिग्शा का ठीक है पॉइंट क्लियर है चल रही है लोगों को अवेयर करने के लिए एंड ऑल आगे आते हैं अगले न्यूज के तरफ नेक्स्ट न्यूज सर अनुराग ठाकुर इनोग्रेट्स वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एट अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सो so, बर इेटेड वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अग्नि कॉलेज नियर चेन्नई सो चेन्नई के पास में इन्होंने वर्चुअल ड्रोन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड फर्स्ट ऑफ इट्स ड्रोन यात्रा वॉज कंडेड वी आर अवेयर अबाउट इट दैट ड्रोन टेक्नोलॉजी इज गेटिंग इंक्रीज इन इंडिया विद द टाइम एंड गरुड़ा एयर स्पेस टेक्नोलॉजी गरुड़ा एयर स्पेस टेक्नोलॉजी लास्ट टाइम सच टाइप ऑफ इनिशियटिवजन ऑफ एटलीस्ट वन लैक ड्रोन पायलट है इन टू ईयर्स बाय गरुडा एयरोपेस टेक्नोलॉजी तो पायलट बेसिस पर जो है ड्रोन्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है पी एल आई ऑल्सो प्रोडक्शन लिंग इंसेंटिव ऑल्सो वन ट्वेंटी करोड़ रुपए इज द एमाउंट फॉर द ड्रोन इंडस्ट्री आपको याद हो अगर तो ड्रोन इंडस्ट्री के लिए वन ट्वेंटी करोड़ रुपये का अमाउंट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था गरुडा एयर स्पोर्स ड्रोन यात्रा ऑपरेशन सेवन 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 देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऑपरेशन सेवन 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 इज रिलेटेड टू ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आंसर ड्रोन इंडस्ट्री है टू टू कवर डिस्ट्रिक्ट ईज द एग्रीकल्चर वर्क अक्रॉस दी सेवन 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 डिस्ट्रिक्ट के वर्ल्ड इंडिया के सेवन सेवन सिक्स सेवन 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 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया है गरुडा एयर स्पेस ने गरुडा एयर स्पेस इज वर्किंग टू इंक्रीज द यूज ऑफ ड्रोन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ड्रोन का यूज है उसको बढ़ाने की तरफ ये काम कर रहे हैं सर ठीक है और वन ट्वेंटी करोड़ रुपए आपका पीएल ड्रोन इंडस्ट्री में याद रखिएगा लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड वो होना ही था दे आर वर्किंग ऑन द हाइब्रिड मॉडल फ्रॉम लॉन्ग टाइम सो विदीशन ऑफ थर्ड फोर फिफ्टी मेगावॉट ऑफ विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर तो विंड और सोलर का बिगेस्ट स्टार्टेड इन जैसलमेर राजस्थान अदानी ग्रीन बिकमिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर विंड सोलर हाइब्रिड पावर कंपनी सो द टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी सेवन पॉइंट वन सेवन गीगा वॉट टोटल कैपेसिटी इनका हो गया सेवन पॉइंट वन सेवन गीगा वॉट अर्लियर इन मे अदानी लॉन्च द फर्स्ट हाइब्रिड ऑपरेशनल यूनिट ऑफ थ्री थ्री नाइनटी मेगावाट इन जैसलमेर तो अभी इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है थ्री नाइनटी से अभी फोर फिफ्टी तक अभी इन्होंने कर दिया है सो फॉलोड बाय द कमीशन इन सेप्टेंबर वर्ल्ड लार्जेस्ट सिक्स हंड्रेड मेगावाट एट द सेम प्लेस तो जैसलमेर राजस्थान में ही इनका ये जो यूनिट है हाइब्रिड यूनिट ये लोकेटेड है दिस प्लेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है कि प्लेस का नाम आपसे पूछ ले. एग्रीमेंट विध सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सोलर एनर्जी प्रोड्यूस दीजा फैसिलिटी फॉर द यू के सिटीजन आफ्टर टू इन दो साल के बाद इंडिया क्या कर रहा है दो साल के बाद यूके सिटीजेंस के लिए ई वीजा फैसिलिटी ला रहा है दिन अप्लाई फॉर द वीजा ऑनलाइन एंड द इमीग्रेशन फ्रॉम द इमीग्रेशन फ्रॉम यू एस यू के टू इंडिया कैन इंक्रीज तो जो फॉरन जो जो टूरिस्ट आपके आ रहे हैं यूके से फॉर दैम इट विल भी ईजी टू अप्लाय फॉर दैम इट विल भी ईजी टू गेट द वीज़ा फ्राम इंडिया फॉर द स्टडी पर्पज वर्क पर्पज और विजिटर्स लाइक फॉर द टूरिज़म पर्पज इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनलिटी बींग ई शूड स्पॉन्सर्ड स्टडी वीजा इन यूके तो यूके में स्टडी वीजा मिलने वाला इंडिया का जो है यूएस ऑल्सो यूके ऑल्सो मैक्सिमम स्टडी वीजा इश्यूज टू एनी कंट्रीज इंडिया हम बात करें यूके की या यूएस की इन दोनों देशों में सबसे ज्यादा जो स्टडी वीजा जो इशू हुए क्लियर हुए वो इंडियंस के ही थे तो इंडिया

And the people from Germany they can move here and there. So India and India signed the comprehensive migration mobility partnership with Germany to help citizens of both nations to study, do research, work in the country of each other. The agreement was signed in between the External Affairs Minister of India, Mr. Raj and uh, the German counterpart Annabella So Annabella Barbock.

दिया क्या एच एल एंड बी एल आएगा सिक्स पर हाँ बी एल सिक्स हुआ बीई एल ऑन सिक्स फोर्टी सेकेंड पोजिशन पर है बीई एल आपका सिक्सटी थर्ड पोजिशन पर है इन द लिस्ट विद एट बिलियन सेल्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन So, सिप्री की रिपोर्ट की अगर बात करें सो टोटल आम सेल अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हंड्रेड इंस्टॉल्ड टोटल हंड्रेड टोटल अमाउंट वाज 5.92 बिलियन इन 2021. सो द आम सेल इन द वर्ल्ड अगर आम सेल्स की बात करें 2021 में सो so, 5.92 बिलियन के आम सेल हुए हैं एंड इंक्रीज विथ वन पॉइंट नाइन परसेंट कम्पेयर टू टू थाउजेंड ट्वेंटी यूएस हैज़ फोर्टी कंपनीज इन टॉप हंड्रेड डिफेंस कंपनीज इन द वर्ल्ड टॉप फाइव कंपनीज ऑल आर अमेरिकन चाइना हैज़ एट कंपनीज इन हंड्रेड इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर सऊदी अरेबिया तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आर्म्स का इम्पोर्टर है इंडिया आफ्टर सऊदी अरेबिया ऑलसो थर्ड बिगेस्ट स्पेंडर स्पेंडर ऑन द डिफेंस आफ्टर यूएस एंड चाइना डेटा दिख रहा है ना ये डेटा आएगा बेटा एग्जाम में ये पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है सिपरी रिपोर्ट की रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में पूछते हैं तो टोटल अमाउंट है फाइव नाइन्टी टू बिलियन का आपका मार्केट था आर्म्स का टॉप फाइव कंपनीज अमेरिकन कंपनीज है इंडिया सेकेंड बिगेस्ट आपका इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया थर्ड बिगेस्ट स्पेंडर खर्च करने वाले डिफेंस में आफ्टर यूएस एंड तो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया टू बिकम एट लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट इश्यूज बाई ग्रुप एम इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवर टेक ब्राजील टू बिकम एस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी नेक्स्ट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ग्रुप एम ग्रुप एम हैज रैंक्ड इंडिया एज द नाइन्थ लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड तो एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में अभी बोले हिंदी में आसान भाषा में एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में अभी भारत का नौवा स्थान है वर्ल्ड में नेक्स्ट ईयर आठवें नंबर पर आ सकता है तो ये लिस्ट है आपके पास टॉप पर आपके पास कौन सा कंट्री है सो यूएसए फॉलोड बाय चाइना जापान यूके जर्मनी इंडिया इज ऑन नाइन्थ एक्सपेक्टेड टू कम बैक एक्सपेक्टेड टू कम ऑन एट्थ पोजिशन आफ्टर कैनेडा तो कैनेडा के बाद आने के इसके अभी चांसेस चल रहे इंडिया यूएस नेवी एक्सरसाइज इज संगमरसाइज कंडक्टेड एट गोवा रिसेंटली एंड इंडिया की तरफ से आई एन एस अभिमन्यू आई एन एस अभिमन्यू ने पार्टिसिपेट किया था इसमें सो so, आई एन एस अभिमन्यू पार्टिसिपेट इन इन टू इट फोर फोर वेर डिप्लोमैट एंड यू एस लॉ दिवाली पावर वन अवार्ड इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है आई पर्सनली फील देर इज नो यूज ऑफ लर्निंग द नेम्स ऑफ ऑल फोर इंडिविजुअल्स लिटिल बिट नेम आइडिया यू कैन टेक इट दैट इज ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी ड बाई विच कंट्री नाइनटी नाइन परसेंट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आंसर इंडिया कॉन्फिडेंटली विच विल बी रॉन्ग तो क्योंकि देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली फर्स्ट टाइम विदाउट लिसनिंग न्यूज वो कॉन्फिडेंटली इंडिया आंसर लगाकर आने वाले एंड देर आंसर विल बी रॉन्ग सो इट इज नोन एज ऑस्कर ऑफ डिप्लोमैसी इसको ऑस्कर ऑफ डिप्लोमैसी भी कहा जाता है ऑस्कर ऑस्कर ऑफ डिप्लोमैसी भी कहा जाता है युद्ध अभ्यास भी यूएस के साथ था हाँ करेक्ट है प्रसाद सो ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय, इट इज प्रोवाइडेड बाय दिवाली फाउंडेशन यूएसए। सो एक ग्रुप है दिवाली फाउंडेशन दे हैव स्टार्टेड दिस अवार्ड इन द ईयर 2017 टू प्रमोट द पीसफुल टू प्रमोट द पीसफुल बेस्ड प्रोसेस अचीव द सोशल गुड्स तो यहाँ पर आपके पास नाम है उन लोगों के जो जिनको जिनको मतलब रैंक दिए हुए उनके जिनको ऑनर किया गया है आई एम स्टिल सेइंग यू नीड टू लर्न द रैंक एंड नेम यूज नहीं हो पाएगा ये इंपॉर्टेंट न्यूज था आई वॉज वेटिंग फॉर दिस न्यूज टू वाइंड अप द सेशन टाइम ऑलमोस्ट हो गया है एन एच ए आई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज अचीव्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नागपुर भाई कौन कौन है नागपुर के आसपास से हाँ नागपुर के आसपास से कौन है बताओ जरा नागपुर वाले महाराष्ट्र आसपास हम्म दै अथॉरिटीज हैव कंस्ट्रक्टेड है लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायरडक डबल डेकर आप बोल सकते हो कि डबल डेकर इन्होंने वो बनाया हुआ है मेट्रो एंड फ्लाईओवर ऑन फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर टाइप थ्री पॉइंट वन फोर किलोमीटर स्पेनिंग हाईवे फ्लाईओवर एट वर्धा रोड इन नागपुर महाराष्ट्र एंड मेट्रो रेल सपोर्टेड एट अ सिंगल कॉलम उसी कॉलम पर है सो डबल डेकर 3.14 किलोमीटर वर्धा एंड थ्री मेट्रो स्टेशन विल बी देयर छत्रपति नगर जेपी नगर एंड उज्जवल नगर तो ये तीन आपके स्टेशंस हैं हाँ तीन आपके स्टेशंस हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ओके okay? और डिस्टेंस याद रखिएगा डिस्टेंस याद रखिएगा 3.14 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिटी नागपुर है सिटी नागपुर है ठीक ऑबिटरी लास्ट न्यूज़ है नोटेड इकोनॉमिस्ट फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर योगेंद्र अलग सर पासडे रिसेंटली ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड रिसर्च अहमदाबाद अहमदाबाद तो यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे ही वॉज ऑल्सो द मेम्बर ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड मल्टीपल पोजिशन ही हैल्डेड इन इंडिया नाबार्ड असिस्टेंट डेवलपमेंट असिस्टेंट बैच इज लाइफ फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ बाई यूजिंग द कूडादित्य्या्य इफ यू फील द सेशन आर गोइंग गुड प्लीज डू नॉट हैजिटेट टू अप्रिशिएट प्लीज डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ टू लाइक द सेशन लाइक द सेशन बिफोर लिविंग इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो जॉइन अस फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गईस टिल दट टाइम कीप वॉचिंग ऑल ए बोर्ड जय हिंद